जनपद में रविवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार जनपद में अभी अगले दो दिनों तक कुछ जगहों पर छिटपुट बारिश होने के आसार हैं। उन्होंने कहा इस बारिश से धान को नुकसान होगा तथा गन्ने के फसल को फायदा होगा। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर बारिश से फसल की किसी प्रकार की क्षति हुई तो अपने लेखपाल से संपर्क करके नुकसान का आकलन उनको प्रेषित करा दे, जिससे राहत व आपदा के माध्यम से मुआवजा मुहैया कराया जा सके। उन्होंने कहा कि रविवार को हुई बारिश से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है, लेकिन सभी नागरिक सतर्क रहें तथा बारिश के समय में घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इस दौरान आकाश या बिजली गिरने की संभावना रहती है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, जनपद में आज बारिश स्टार्ट हुई है। संभवतः ये कल से परसों तक ये छुटपुट स्थानों पर बनी रहेगी। अभी हमने कृषि विभाग से बात की है तो उनका ये कहना है कि जो हमारी पैडी है, मतलब धान है, वो हार्वेस्टिंग स्टेज पे है, उनकी कटाई चल रही है, लगभग 25% हार्वेस्टिंग स्टेज पे है। उनको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, गन्ने की फसल को फ़ायदा होगा। कुछ अन्य फसलें हैं जो इस समय कटाई के स्टेज पे होंगी, उनको थोड़ा बहुत नुकसान होगा। अभी एग्जैक्ट कितनी वर्षा हुई है ये 5:30 बजे तक मालूम हो जाएगी और ये प्रेस में भी आ जाएगा। मेरा अनुरोध है आम नागरिकों से, अगर कहीं पर किसी की इस वर्षा से कोई क्षति हो गई हो तो वो अपने लेखपाल से संपर्क करके क्षति का आकलन हम लोगों को प्रेषित करा दें तो राहत और आपदा के माध्यम से उनको निश्चित रूप से मुआवजा वितरण कराया जाएगा। सर, कहीं से कोई नुकसान या जानमाल? अभी तो तात्कालिक रूप से कहीं से कोई जानमाल की या नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग सतर्क रहें। जब बारिश का मौसम होता है तब बिजली गिरने की भी घटनाएं होती हैं, तो मौसम जब ऐसा हो तब घरों से बाहर न निकलें, यथासंभव सुरक्षित स्थान पर रहें।